हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। तो पहला मैच सुपर 8 का खत्म हो चुका है और साउथ अफ्रीका ने यूएसए को 18 रन से ही हराया। सिर्फ ये मैच पूरा देखा जाए तो फेवरेट्स थे साउथ अफ्रीका। मेरा नाम है अर्पित दुबे और मेरे साथ है लव। तो फेवरेट्स के बावजूद हम ये देखने को मिल रहा है कि यूएसए ने एक टफ कॉम्पिटिशन दिया और अच्छी, मैं कहूंगा कि रन रेट से चल रहे थे पहले पावर प्ले के 5 ओवर में। उसके बाद जो लगातार विकेट्स गिरे और फिर सिर्फ गाउस की अच्छी पारी आई। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं कहूंगा कि अच्छा मैच है। नेट रन रेट आपने लूज नहीं किए तो एक दो अपसेट आप कर सकते हैं। जी, अपसेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस मैच्योरिटी का गेम खेल रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि पहला बड़ा टूर्नामेंट है जी। पाकिस्तान के अगेंस्ट। जिस तरीके से एंड में नर्व्स कंट्रोल करके सुपर ओवर मैच निकाला, वो भी बहुत बड़ा अपसेट दिया था। मुझे लगता है आने वाले मौकों में एक अपसेट दे सकती है बड़ी टीम को किसी, और स्पेशली बांग्लादेश हो गए, अफगानिस्तान हो गए, ऐसी टीमों को ज्यादा थोड़ा एक सचेत रहना चाहिए यूएसए से। जी, तो ओवरऑल अब हम हाइलाइट्स में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से पूरा मैच चला, उसके हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो स्कोर कार्ड से शुरू करते हैं कि किस तरीके से पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका का मैं देखने को खेलने को मिला, जिसमें क्विंटन डीकॉक सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि विस्फोटक बल्लेबाज थे पूरे साउथ अफ्रीका के लिए। और शुरुआत के पहले 3 ओवर में सौरभ नेत्रवरकर ने अच्छी बॉलिंग करी थी। वहां हमें देखने को मिल रहा था कि क्विंटन डीकॉक भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। पहले 3 ओवर में सिर्फ 17 रन थे, हेंड्रिक्स भी जल्दी आउट हो गए थे, उनको भी नेत्रवरकर ने आउट किया। लेकिन मैच चेंजिंग पारी थी क्विंटन डीकॉक की, जिसमें शुरुआत में तो उनकी 250 से ऊपर स्ट्राइक रेट थी। ओवरऑल भी देखे तो 74 रन मारे 40 बॉल्स में। वहीं एडन मार्करम की बात करें तो 32 बॉल्स में 46 रन। तो एक बड़ी पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच में। और फिर उसके बाद हमने लास्ट में हमें देखने को मिला साथ में एडन मार्करम के बाद डेविड मिलर अगली बॉल पर आउट हो गए। हेनरी क्लासन की भी एक मैं कहूंगा डिसेंट पारी। ये स्कोर लग रहा था साउथ अफ्रीका का, अगर हम फॉलो विकेट्स में जाएंगे बीच में, कि जा सकता था ये स्कोर 26 पे। सेकंड विकेट गिरा था 12 ओवर थे, 8 ओवर में हमने देखा है कि 80 से 100 रन बनते हैं लास्ट के 8 ओवर में, तो 220 तक ये स्कोर जा सकता था। जी, 220 तक जा सकता था, वहां से थोड़ी कंफर्टेबल विक्ट्री हो जाती और अमेरिका के ऊपर भी एक, यूएसए के ऊपर भी एक एडेड प्रेशर रहता 220 के ऊपर, 200 का रहता है साइकोलॉजिकल प्रेशर, तो वो रहता। बट भाई नेत्रवरकर ने जिस तरह से डेथ में बॉलिंग कराई, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि आईपीएल में चांस बन रहा है, जिस तरीके से लगातार कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, अच्छी लेंथ पे बॉल डाल रहे हैं, और देखिए आज इम्प्रेस करा क्विंटन डीकॉक ने, फाइनली वापसी करी। आज मार्करम भी ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और क्लासेन स्टब्स सब ने अच्छा करा। स्टब्स और उम्मीद थी और अच्छा कुछ कर सकते थे। क्लासेन ने जिस तरीके से फिनिशिंग करते आ रहे थे आईपीएल में, वैसा कुछ देखने को मिला। यूएसए की एक बार बैटिंग की बात कर लेते हैं, कुछ खास नहीं रहा बैटिंग की अगर बात करें। कॉस हैं जिन्होंने रन बनाए, असर नॉट आउट रहे, 70 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। एंड में अगर हमारे जो विकेट नहीं आता, जो एक विकेट आ गया एंड में, वो मैच निकल जाता जी। और शुरुआत में देखें तो नेत्रवरकर ने 4 ओवर में 21 रन लेके 2 विकेट। अली खान आज थोड़े से महंगे साबित हुए, ये कंसर्न थे। जैसे सिंह भी आए, उन्होंने भी 2 ओवर में 36। तो ये जो 6 ओवर जो पेस अटैक के आए अली खान और जैसे सिंह के, यहाँ से थोड़ा सा गेम वैसे लूज कर दी थी। केंजिंगे उनके लिए पिछले मैच में भी अच्छा किया, आज विकेट लेस गए। मेन थे हरमीत सिंह और सौरभ नेत्रवरकर, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग बैटिंग में भी, हरमीत सिंह की बात कर रहे थे, हरमीत सिंह का विकेट एंड में आ गया 19 ओवर में, वरना वो मैच वहां से यूएसए निकाल लेती जिस तरीके से मार रहे थे जी। आखिरी ओवर में आपको 20 रन चाहिए थे, अगर हरमीत सिंह का विकेट नहीं आता तो शायद आपको 12 रन 14 रन चाहिए होते, वो आराम से निकल जाते। हरमीत सिंह अच्छा खेल रहे जी, क्योंकि हमने देखने को मिला स्टीवन टेलर 24 रन मारे 14 बॉलों में। एंड्रयूज ग्रोव्स की हम बात कर चुके, 80 रन की शानदार पारी थी। जिस तरीके से वहां पर ओपनर क्विंटन डीकॉक चले थे, यहाँ पर वही सेम पारी गौस ने खेली। नीतीश कुमार अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये है कि शॉट उनके जो हो रहे दिखते बहुत ज्यादा क्लासिकल है, लेकिन वो जाते नहीं है आउट ऑफ द ग्राउंड, और एक बेकार शॉट खेला उन्होंने फिर आउट हुए। और एरन जोन्स जो पिछले 2 मैचेस में अगर हम देखें तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। पहले 2 मैचेस में उन्हें हमें देखने को मिला था कि उनकी क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी, उससे यूएसए को जीत भी मिली थी। लेकिन और यहीं पे एक और हो सकते हैं हार का कारण भी, एरन जोन्स को वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और कोरी एंडरसन भी पूरे अभी तक सीजन में कोई इंपैक्टफुल पारी नहीं आई रहे हैं, और इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद अगर ऐसा परफॉर्मेंस होगा तो कंसर्न है यूएसए के लिए। एक मिडल ऑर्डर मेरे को लग रहा है कंसर्न है। जहांगीर जिन्होंने ओपनिंग करी थी, आज उनको नीचे उतारा, वहां पर वो नहीं चले। हरमीत सिंह और इनकी एक 91 रन की पार्टनरशिप हुई। वहीं आप फॉलो विकेट्स में आपको समझ में आ जाएगा कि 18 ओवर पहले बॉल पर 167 पर 6 विकेट गिरा, मतलब आपको 11 बॉल्स में उस टाइम पे रन चाहिए थे मात्र। सिर्फ अगर हम देखें तो यहां से सिर्फ आपको रन चाहिए 28 रन के करीब चाहिए थे, जो कि बनते हैं 11 बॉल पर 28 बनते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया। और अगर हम बॉलिंग में देखें तो आज चले नौरकिया, जो कि पूरा आईपीएल नहीं चले, लेकिन पता नहीं क्या हुआ साउथ अफ्रीका में आती चलती। जी, बहुत अच्छी बॉलिंग रही है। मैं तो कहूंगा कि नौरकिया तो फिर भी 9.5 की इकॉनमी थी,
रबाडा ने जिस तरीके से आज बॉलिंग करी है, रबाडा इकोनॉमिकल रहे, 4 ओवर 18 रन 3 विकेट, और ये भी इनका भी पूरा सीजन फीका गया था आईपीएल, और अभी तक पूरे अगर हम बात करें मैचेस में भी हमें सिर्फ खाली मार्को यानसन या नॉर्किया की परफॉर्मेंस आती थी, या बॉलिंग में देखे शमजी ने उनको मैच जिताया, अभी तक नॉर्किया महाराज भी बैट अच्छी बॉलिंग अच्छी रही आज के मैच में, 6 की इकॉनमी, 4 ओवर 24 रन 1 विकेट भी लिया इन्होंने। मेन मैं कहूंगा एक्स फैक्टर बॉलर रबाडा थे और उन्होंने ही मैच पूरा निकाल दिया यूएसए के खिलाफ। जी तो ओवरऑल आप पहला मैच खत्म हो चुका है, कल बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, तो उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उस मैच में हमारी पूरा वॉच पार्टी आपके साथ रहेगी, और हाइलाइट्स और एनालिसिस अभी कुछ ही देर में आपके लिए फैंटेसी 11 भी आने वाली है टीम, तो आप बता सकते हैं, या आप अगर फैंटेसी 11 में टीम्स बनाते हैं तो उस चीज में आपको थोड़ा गाइड मिल सकता है कि किस तरीके की आपको प्लेइंग 11 बनानी चाहिए। तो इस पर इस सब के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए, अगर आपको हमारी हाइलाइट्स पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करिए इस वीडियो को, और हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।